तो क्या हाल है भाई लोग। होप करता हूँ यार सारे मस्त होंगे और अपना बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूँ आपका भाई जयेश और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही कमाल की माइक्रो एसयूवी के बारे में जो कि है टाटा पंच। तो भाई लोग जैसा कि आप सभी को पता होगा टाटा पंच यहाँ पे ऑफिशियली पूरी तरह से रिवील हो चुकी है। इसका एक्सटीरियर, इसका इंटीरियर सब कुछ यहाँ पे स्पाइक हो चुका है। बहुत सारे लोगों के पास इमेजेस आ चुकी हैं और हाल फिलहाल में यहाँ पे एक डीलरशिप पे स्पॉट करी गई है रेड कलर में, जो कि बहुत ही कमाल का लग रहा है इस गाड़ी में। अगर आपने वो इमेजेस देखी तो मैं भी आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो काफ़ी कमाल की लग रही है ये गाड़ी इस कलर में भी। और अगर मैं लुक की बात करूँ तो देखो यार, अगर जो भी इस गाड़ी को देखेगा फर्स्ट इंप्रेशन उसका बहुत ही कमाल का, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी टाइटल में थंबनेल में डाला हुआ था कि ये कुछ ना कुछ मिनी हैरियर की तरह लगेगी। और डेफिनेटली अगर आप इसका फ्रंट लुक देखेंगे तो फ्रंट लुक से यार काफ़ी ज़्यादा एकदम हैरियर को लग जैसा ऐसा लग रहा है कि छोटी सी हैरियर आपको देखने को मिल रही है टाटा पंच के रूप में। तो काफ़ी कमाल की ये लग रही है और साइड प्रेजेंस जो इसका दे रही है गाड़ी टाटा पंच, ये भी बहुत ही कमाल का है। थोड़ा सा यहाँ पे डिसअपॉइंटिंग मेरे को पीछे से लग रही है। पीछे से ऐसा लग रहा है इस गाड़ी में जैसे कि इसके यू नो बम्पर ब्लैक पार्ट को ज़्यादा यूज़ किया गया, बॉडी कलर कम यूज़ किया गया है। तो पीछे से थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जा सकता था टाटा पंच को, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड एंड बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव लुक इस गाड़ी को दिया गया, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। और जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बोला है कि ये गाड़ी टाटा पंच टाटा मोटर्स की तरफ से सबसे सस्ती गाड़ी होने वाली है इस सेगमेंट में, जो कि एंट्री लेवल एक माइक्रो एसयूवी होने वाली है और बहुत ही कमाल मचाने वाली है। तो अगर इसके फीचर्स के बारे में बता दूं, हालांकि मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है इस पे, 3-4 वीडियो में डाल चुका हूं ऑलरेडी जिस पे सारी डिटेल मेंशन है, बट अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो यहां पे हमें काफ़ी कमाल का फीचर देखने को मिलता है। फ्रंट से अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमें LED DRL सेटअप देखने को मिल जाता है। फ्रंट हेडलैम्प सेटअप जो है स्प्लिट में देखने को मिलेगा, जैसा कि हमें सफारी वगैरह में हैरियर वगैरह में देखने को मिलता है। और साथ ही साथ यहां पे हमें टाटा की सिग्नेचर ग्रिल देखने को मिल जाएगी जो कि यूनिटी लाइन ग्रिल है। फॉग लैंप्स हमें यहाँ पे हमें गाड़ी में देखने को मिल रहा है और फ्रंट लुक अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन बहुत ही ज़्यादा कमाल का लग रहा है इस गाड़ी का। मतलब आपको बिल्कुल भी ये फील नहीं होने देगा कि आप एक माइक्रो एसयूवी में बैठे एक छोटी गाड़ी में। रोड प्रेजेंस इसका फ्रंट वाइज बहुत ही कमाल का लग रहा है इस गाड़ी का। साइड से अगर मैं बात करूँ तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ABC और तीनों के तीनों पिलर्स यहाँ पे ब्लैक कलर में देखने को मिलने वाले। अलॉय व्हील्स बहुत ही कमाल के, बहुत ही शानदार अलॉय व्हील्स हमें इस गाड़ी में देखने को मिल रहा है डायमंड कट में, जो कि इस गाड़ी के लुक को काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें ड्यूल टोन RVMs देखने को मिल रहा है, राइट। और यहाँ पे रूफ रिल्स हमें देखने को मिल जा रही है, साइड बॉडी क्लैडिंग हमें देखने को मिल जा रही है, माइक्रो रूफ एंटीना हमें इस गाड़ी में अवेलेबल हो जा रहा है। तो काफी सारे फीचर वाइज भी ये लुक को काफी अच्छा मेंटेन किया जा रहा है इस गाड़ी में टाटा पंच में। अगर मैं रियर से बात करूं तो यहाँ पे हमें टेल लैंप का सेटअप देखने को मिलता है जो कि ट्राई एरो पैटर्न में देखा जा रहा है, जो कि इसके इंस्पायर्ड है इसके यू नो ऑटो एक्सपो वेरिएंट से, जो कि काफी कमाल लग रहा है। टेल गेट पे हमें यहाँ पे सेंटर में टाटा का लोगो देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे हमें पंच की बैजिंग भी देखने को मिल जाएगी जैसा कि आप हैरियर वगैरह में देखते हैं। तो ये भी एक कमाल की बात है जो कि इंस्पायर्ड हैरियर से। हाई माउंट स्टॉप लैंप हमें यहां पे अवेलेबल हो जाएगा, वाइपर हमें यहां पे अवेलेबल हो जाएगा और साथ ही साथ यहां पे जो डोर हैंडल्स है पीछे की गाड़ी के वो हमें ऊपर की साइड देखने को मिलेंगे इस गाड़ी में। तो यार ये कुछ एक्सटीरियर वाइज बात होगी। इंटीरियर भी यहाँ पे लीक हो गया है गाड़ी का जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इंटीरियर में ऐसी उम्मीद आ रही है कि इंटीरियर में जो ये AC वेंट्स के जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के जो थोड़े बहुत ये हमें फिनिशिंग दी जा रही है वो डेफिनेटली कलर के साथ मैच की जाएगी। जैसे यहाँ पे इमेजेस में ब्लू कलर का देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये बॉडी कलर के साथ को मैच किया जा रहा है जो कि काफ़ी कमाल लगेगा। मतलब इंटीरियर वाइज भी आपको फील आएगा कि ये गाड़ी इस कलर की है। तो यार ये गाड़ी ओवरऑल बहुत कमाल होने वाली है। और साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं तो इस गाड़ी की बुकिंग भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आप चाहे तो नियरेस्ट टाटा डीलरशिप पर जाके इसकी बुकिंग भी करा सकते हैं। और अगर इस गाड़ी की मैं यू नो मार्केट में आने की बात करूं तो ये अक्टूबर से हमें देखने को मिलने वाली है। ये हो सकता है कि ये मैं 2 अक्टूबर या फिर 15 अक्टूबर से ये गाड़ी हमें देखने को मिल जाएगी। पूरी तरह से हम इसे देख सकते हैं, इसको चेकआउट कर सकते हैं, इसको यू नो खरीद सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ अक्टूबर के मंथ से डेफिनेटली फॉर श्योर मिलने वाली है क्योंकि डीलरशिप पर भी अराइव हो गई है और इसकी बुकिंग भी जो डीलरशिप है जो एजेंट्स हैं वो इसकी बुकिंग भी ऑलरेडी लेना शुरू हो गई है। तो ये गाड़ी फॉर श्योर अक्टूबर के मंथ में आने वाली है। प्राइस की अगर बात करूँ तो ये गाड़ी 5.5 लाख एक्स शोरूम स्टार्ट होने वाली, जो कि बहुत ही कमाल की बात है यार। 5.5 लाख में आपको ये माइक्रो एसयूवी देखने को मिल जाएगी जो कि इसका बेस मॉडल हो सकता है। तो बहुत ही कमाल की बात है यार, प्राइस वाइज लुक वाइज, मतलब एक माइक्रो एसयूवी के हिसाब से ना भाई बहुत ही कमाल की गाड़ी है। ड्राइव मोड्स आपको इतने अच्छे देखने को मिलने वाला है इसमें, ऑफ रोडिंग आप इसमें कर सकते हो, ग्राउंड क्लियरेंस आपको इतना अच्छा मिल रहा है इस गाड़ी में, तो टायर साइज भी आपको इसमें काफी अच्छा मिल रहा है गाड़ी में देखने को। तो ओवरऑल जो ये माइक्रो एसयूवी का सेगमेंट है ना, डेफिनेटली भाई यहाँ पे कंपटीशन एकदम टफ हो गया है। मतलब अब मेरे को नहीं लगता कि इसके कंपटीशन में कोई और गाड़ी खड़ी हो पाएगी इस सेगमेंट में, राइट। तो बहुत ही कमाल की गाड़ी होने वाली है, आप लोग इसको भी बुक करा सकते हैं। तो भाई लोग यही कुछ डिटेल थी जो मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और ये कलर आपको कैसा लगा जो अभी रिसेंटली लीक हुआ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही भाई लोग, होप करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ मैं डेली अपलोड करते रहता हूँ चैनल पर। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब
जरूर करें। तो चलो भाई लोग, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।